अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दुनिया की पांच बहादुर अफवाज का जिक्र किया था। आज मैं आपको दुनिया की पांच डरपोक अफवाज के बारे में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। किसी भी मुल्क की सलामती और बका के लिए वहाँ की अफवाज बहुत अहम रोल अदा करती है, और बहादुर अफवाज के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। आज मैं आप लोगों को डरपोक अफवाज के बारे में बताऊंगा जो हर जगह हर मकाम पे किस तरह जलील और ख्वार होती आ रही है। यहाँ मैं आप लोगों को डरपोक की डेफिनेशन बता दूँ। डरपोक से मुराद वो आर्मी जो खुद अतमादी की बजाय असले और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करे, और जब इनके पास असला ख़त्म हो जाए तो अपनी हार की वजह असले का ना होना बताए। यानी जज्बा इनके नज़दीक कोई मैटर नहीं करता, खुद अतमादी ये इनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं रखती। इनके नज़दीक वैल्यू है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की और असले की वैल्यू है, और यही वजह है कि ये दुनिया की पांच डरपोक अफवाज में शामिल होती है। अफगानिस्तान का नंबर पांचवा है। अफगानिस्तान की फ़ौज भी अनप्रोफेशनल अनट्रेंड फ़ौज है, बुजदिल आर्मी है। बेसिकली हज़ारों की तादाद में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान के हाथों पिछले कुछ सालों में मारे जा चुके हैं। इनके पास असला ख़त्म हो जाता है, ये अपनी हार की रीज़न असले को दे देते हैं कि हमारे पास असला ख़त्म हो गया था। इनके अंदर खुद इतमादी नहीं है, इनके अंदर जज्बे नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह जो चौथे नंबर के ऊपर आर्मी है वो है ऑस्ट्रेलियन आर्मी। जी ऑस्ट्रेलियन आर्मी नहायत ही डरपोक आर्मी है। मैं नो डाउट इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, इनके पास असला भी है, लेकिन इनके पास जिगर नहीं है, जज्बा नहीं है इनके पास। आप हिस्ट्री को उठा के देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, कोरियन वॉर हो, गल्फ वॉर हो, मलेशियन एमरजेंसी हो, ये आर्मी जिन जिन वॉर्स पे भी गई है वाहिद आर्मी है जो सबसे पहले मैदान छोड़ के भागी है। इससे अंदाजा लगा ले इन लोगों के अंदर जज्बे और हिम्मत की कितनी कमी है। इसी तरह जो तीसरे नंबर के ऊपर आर्मी है वो है सोमालियन आर्मी। जी सोमालिया की आर्मी नहायत ही कमज़ोर आर्मी है। ये आर्मी टोटल 6,000 अफवाज के ऊपर मुश्तमिल आर्मी है। ये आर्मी आज तक अपने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी नहीं ख़त्म कर सकी। इस मुल्क के अंदर जो है ना क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, इस मुल्क के अंदर इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, यही वजह है कोई टूरिस्ट इस मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। इसी तरह जी जो नंबर टू के ऊपर आर्मी है वो इसराइल की आर्मी है। इसराइल की आर्मी बेहतरीन, इस आर्मी के पास बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं, बेहतरीन असला है, न्यूक्लियर पावर है ये मुल्क। लेकिन और इस मुल्क की आर्मी में एक कानून ये भी है कि इस मुल्क में हर मर्द और हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मर्द को 3 साल और औरतों को 2 साल। यानी इस मुल्क के अंदर हर मर्द और हर औरत आर्मी की ट्रेनिंग ले चुका है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि इस आप लेकिन बुजदली, दलेरी, जज्बे की बात आएगी तो ये ज़ीरो है। जी ये आर्मी ज़ीरो है। आप फ़लस्तीन को देख लें, जब ये आर्मी फ़लस्तीन में निहत्ते लोगों के ऊपर मारने के लिए वहाँ जाती है और आगे से निहत्ते अवाम उनके ऊपर पथराव करते हैं, तो ये वहाँ से भाग जाती है, और भागती है ये सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही शेर। जी जो नंबर वन के ऊपर बुजदली, नाकामी और डरपोक और फटू आर्मी में आती है वो है इंडिया की आर्मी। जी इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा नाकाम और फटू आर्मी है। आप बॉर्डर के ऊपर जब भी हालात ख़राब होते हैं तो इंडियन आर्मी के जो अफसरान हैं वो चिट्ठियाँ डालना शुरू कर देते हैं छुट्टी के लिए। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें इंडियन आर्मी स्कैंडल ये लिख के सर्च करें तो आपको सैकड़ों वीडियो नज़र आएंगे जिसके अंदर इंडियन के जवान खुदकुशियाँ करते हुए, भूख से मरते हुए और छुट्टी ना मिलने की वजह से रो रहे होंगे। और इनकी बुजदिली की सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर के ऊपर लोगों के ऊपर जुल्म करना है। कोई भी बहादुर आर्मी सिविलियन के ऊपर हाथ नहीं उठाती, लेकिन ये एक ऐसी घटिया आर्मी है कि कश्मीर पर हमारे निहत्थे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करती है। ये वो आर्मी है जिसका रेप में दुनिया में पहले नंबर पर जो है ना, रेप में जो है ना ये आर्मी पहले नंबर के ऊपर है। तो ये आर्मी नो डाउट तादाद में बहुत बड़ी है, लेकिन जिगरे में, जज्बे में, खुद एतमादी में ये आर्मी ज़ीरो है। तो जी ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।